लिंक हो जाएगी और जो आपके एकेडमिक्स रिकॉर्ड हैं, और इसके अलावा सिर्फ एकेडमिक्स रिकॉर्ड नहीं है, इसमें एक चीज़ और ऐड करता चलूँ, आप कोई बच्चा फिजिक स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है, उसने कभी कोई किसी नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई प्राइज दिया, हमारे पास कहाँ रिकॉर्ड रहता है या हम वो कितनी चीज़ें संभाल के रखते हैं, या जब हम उसको प्रेजेंट करते हैं तो कितनी क्रेडिबिलिटी होती है उसकी, वो सब चीज़ें जब स्कूल के थ्रू, इंस्टीट्यूट के थ्रू या इसमें अपार में जब अपलोड हो जाएगी तो वो आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट बनता जाएगा, वो वहाँ पे आपको उसके बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे। तो मैंने पहले ही कहा कि फ्रॉजरी वहाँ तो चांस ही नहीं है, जब आप किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या नेशनल लेवल या स्टेट लेवल पे या कहीं इंटरनेशनल लेवल पे कोई कुछ अचीव करता है तो वो उसके ABC बैंक में जो है चला जाएगा। ये परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होने वाला है, किसी एक स्कूल से लिंक नहीं है, यहाँ से आप शाजिया से पुणे चले जाते हो, पुणे से दिल्ली चले जाते हो, कहीं चले जाते हो, वन गो में आप अपना ये नंबर वहाँ स्टूडेंट देगा, आपका डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। आधारशिला में कुछ लोगों ने करके देखा है, ये हम करते थे, स्कूल ट्रांसफर करते थे तो वहाँ पे, लेकिन वो थ्रू और वैलिड नहीं था, आधारशिला सिर्फ स्कूल्स तक नहीं था, उसका एक ये भी था कि वो अभी हायर एजुकेशन में नहीं था, ये हर लेवल पे है, तो यहाँ इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा कि आपको यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी जाके आपको फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत खत्म हो जाएगी। कैसे अप्लाई करेंगे इसके लिए, मैंने अभी आपको ABC के बारे में बताया था, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के बारे में, उसी की साइट पे जाके आप इस पे रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ रजिस्ट्रेशन स्टेप्स हैं इसमें कि जो है आप इसको फॉलो करेंगे, जैसे कि मोबाइल नंबर और आधार कार्ड इसमें चाहिए कंपलसरी, और ये जो कंसेंट फॉर्म आपसे लिया जाएगा वो एक्चुअली वो डेमोग्राफिक यूज है किसका, आधार कार्ड का, कि आप विलिंगली अपने आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के साथ शेयर करना चाहते हो इस पर्पज के लिए। कंसेंट फॉर्म अभी आपको शो करेंगे, उसमें ये डिटेल में लिखा है कि सिर्फ इसी पर्पस के लिए आप अपने बच्चे का जो है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो है उसकी डिटेल्स गवर्नमेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आपका आधार कार्ड या हमारा आधार कार्ड कोई भी बिना हमारी मर्जी के यूज में से कोई भी इंफॉर्मेशन किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं कर सकता जब तक हम उसकी कंसेंट नहीं देते, तो इसलिए आपसे वो कंसेंट फॉर्म लिया जाता है। और फाइनली जो कार्ड जनरेशन हो जाएगा, एक बार कार्ड बन गया, जैसे आपका आधार कार्ड बन गया या बाकी डॉक्यूमेंट्स बन गए, ये भी आपके पास एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। बेनिफिट्स इसके बहुत सारे हैं, मैंने कहा आपसे अभी कि डिजिटल स्टोरेज अभी आपसे बात की कि आपकी जितने भी ये डिटेल्स हैं एकेडमिक्स की या अदर कोकरिकुलर एक्टिविटीज की, वो सारे स्टूडेंट्स की इसके अंदर आ जाएंगी, तो बार बार वो सब चीजें कैरी करने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। नेक्स्ट जो है कि हाउ स्टूडेंट आईडी इज मेड, कि स्टूडेंट की आईडी बनेगी कैसे, डाउनलोड तो फिर हम करेंगे लेकिन पहले बनाएंगे कैसे, फोटो चाहिए उसके लिए बच्चे का जो हम यूज करते हैं, अगर आप आधार के कंसेंट फॉर्म दोगे तो आधार वाला फोटो भी यूज हो सकता है, पर कभी कभी वो फोटो बहुत पुराना होता है, किसी का 10 साल पहले आधार कार्ड बना है, तो आप रिसेंट फोटो भी वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रेड लेवल, स्टूडेंट स्कूल कौन से लेवल पे है, कहाँ पे है, स्कूल आईडी होगी, स्कूल आइडेंटिफाई करेगा, ये फर्दर प्रोसेस है, जैसे डिटेल्स इसकी अवेलेबल होंगी, क्योंकि अभी इसकी डिटेल्स उतनी आई नहीं है कि स्कूल आईडी कब अलॉट होगी कैसे होंगी, तो वो जैसे स्कूल आईडी में वो जो है हमें मिलेगी उस पर हम स्कूल को लॉगिन करेंगे, अपना आईडी से लॉगिन करेंगे, वहाँ स्टूडेंट को जाके रजिस्टर करेंगे, जैसे आधारशिला पे हम करते हैं, वहाँ की आईडी हमें मिली है, हम अपने यूडाइस का यूज़ करके वहाँ पर लॉगिन करते हैं और उसके बाद वहाँ स्टूडेंट को रजिस्टर करते हैं, वहाँ से स्टूडेंट आईडी क्रिएट होती है, तो समथिंग लाइक इसी तरह का प्रोसेस इसमें भी होगा। ये कंसेंट फॉर्म है जो आप जो पेरेंट्स ने, स्पेशली पेरेंट्स के लिए कहूँगा कि ये कंसेंट फॉर्म है जो आपको जो है साइन करके देना है, और इसमें डिटेल पूरी क्या है बताएं सब लिखा है, लेकिन एक चीज़ जो क्लियरली इसमें लिखी है कि मैं सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ सिर्फ वही चीज़ जो है आधार के जो डेमोक्रेट की इंफॉर्मेशन सिर्फ इसी अपार आईडी की जो है क्रिएशन के लिए शेयर कर, मेरा बच्चे का या मेरा जो है बच्चे का आधार कार्ड किसी और काम के लिए यूज नहीं होगा, सिर्फ इसके लिए एक्सक्लूसिवली इसके लिए मैं ये दे रहा हूँ, और यही इसमें डिटेल में लिखा है, या अभी सब में रखी है कॉपीज, हमने करा के रखी है, या आपके साथ शेयर भी करेंगे तो आप खुद भी वहाँ पढ़ सकते हैं, और जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है वो साथी टीचर्स की हेल्प से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक बार सर आप एक देंगे, मैं थोड़ा पढ़ के यहाँ से शेयर कर देता हूँ पॉइंट्स हैं इसमें, ये जो पैरा नंबर 3 है इसमें कि आई ऑथराइज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू यूज माय आधार नंबर फॉर परफॉर्मिंग आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन विद UIDAI एज पर प्रोविजन ऑफ आधार
targeted delivery of financial and other subsidies, benefits and services Act 2013 for aforesaid purpose. I understand the UIDAI will share my eKYC details for response of yes with Ministry of Education upon successful authentication. तो इसमें ये कहता है कि मैं पूरी तरह से इस चीज़ को समझता हूँ कि ये जो मेरा बच्चे का जो डाटा है पेरेंट्स से साइन करके देंगे कि बच्चे का डाटा है, तो ये सिर्फ अपार के लिए यूज़ किया जा रहा है। जब भी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को इसकी ज़रूरत पड़ेगी किसी भी, पर ई के वाई सी आप करवा भी रहे हैं बैंक में, आजकल हर जगह जो है आप कोई भी सर्विस ले रहे हैं तो आजकल जो है